जय हिंद बच्चों, आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 8 आर्डी शर्मा मैथ्स एक्सरसाइज 2.1। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इन सब यहाँ दो क्वेश्चन है, दोनों को सॉल्व करके फाइनली एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। वन नंबर देखिए, 3/2 होल टू द पावर माइनस 1 इंटू 3/2 होल टू द पावर माइनस 1 इंटू 3/2 होल टू द पावर माइनस 1 इंटू 3/2 होल टू द पावर माइनस 1 तो इज इक्वल टू, यहाँ देखिए सब बेस सेम है, ये जो है ये पावर है और ये 3/2 बेस है। तो इस हालत में हम क्या करते, 3/2 एक ही बेस लेते और जो जो पावर्स है ना सब सब में देखिए इंटू है, मतलब सब बेस इंटू है तो सब की पावर्स ऐड कर देते। तो यहाँ देखिए माइनस 1, फिर से ये भी माइनस 1 है, माइनस 1 यहाँ ऐड करना मतलब क्या है, एक्चुअली ऐसी हो रही है ना, देखिए माइनस 1 है प्लस, फिर से देखिए माइनस 1 है प्लस, फिर से माइनस 1 है ये वाला प्लस, फिर से माइनस 1 है तो इज इक्वल टू 3/2 होल टू द पावर माइनस 1 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 1 वही प्लस माइनस माइनस हो जाएगी ना, तो यहाँ 4 माइनस 1 है तो माइनस ऑफ 4 है तो इज इक्वल टू, आप इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए, इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए तो पावर पॉजिटिव बन जाएगी। तो 3/2 की रेसिप्रोकल 2/3 है तो 2/3 होल टू द पावर 4 हो जाएगी, ठीक है। तो आप आंसर यहाँ तक भी रख सकते हैं और यहाँ तक भी ले आ सकते हैं, दोनों ही करेक्ट है। अच्छा, टू नंबर देखिए, 2/5 वोल्ट टू द पावर माइनस 2 इंटू 2/5 वोल्ट टू द पावर माइनस 2 इंटू 2/5 वोल्ट टू द पावर माइनस 2 तो इज इक्वल टू, एक ही बेस लेना 2/5 है वोल्ट टू द पावर, यह पावर माइनस 2 है तो माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस ऑफ 2 प्लस माइनस ऑफ 2, तीन बेस है ना, तीन पावर है, तीन बेस की तीन पावर है और सब सेम है तो इज इक्वल टू 2/5 होल टू द पावर माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 8 माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू, आप इसकी रेसिप्रोकल लेने से पावर पॉजिटिव बन जाएगी, 5/2 होल टू द पावर 8 हो जाएगी। तो आंसर यहाँ तक भी रख सकते हैं और यहाँ तक भी ले आ सकते हैं, दोनों ही सही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इवैल्यूएट। चार क्वेश्चन है, यहाँ मैंने अलग से क्वेश्चन नहीं लिखा। तो पहला क्वेश्चन, 5 to the power -2 तो इज इक्वल टू, इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए तो पावर पॉजिटिव बन जाएगी, तो 5 की रेसिप्रोकल 1/5 है तो आप 1/5 इसकी पावर पॉजिटिव 2 हो जाएगी तो इज इक्वल टू 1/5² 25 है। अच्छा, टू नंबर देखिए, -3 होल टू द पावर माइनस 2 तो यहाँ बेस माइनस 3 है तो इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए -1/3 होल टू द पावर माइनस ऑफ पावर पॉजिटिव बन गई तो -1/3² भी लिख सकते हैं। अच्छा, ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ ऊपर देखिए सिर्फ 1 है। अच्छा, तो देखिए -1 को भी स्क्वायर करें, -1² डिवाइडेड बाई 3² दोनों को स्क्वायर मिलेगी तो इज इक्वल टू, -1 को स्क्वायर करने से +1 हो जाए क्योंकि यहाँ देखिए निगेटिव साइन इवन टाइम्स यानी कि दोबारा इंटू हो रही है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी। अच्छा, 3² 9 है तो इसके आंसर 1/9 है, ठीक है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, 1/3 होल टू द पावर माइनस 4 तो 1/3 की रेसिप्रोकल 3 है, सिर्फ 3 है, अब पावर पॉजिटिव बन जाएगी तो इज इक्वल टू, अब देखिए 3 टू द पावर 4 मतलब क्या है, 3 × 3 × 3 × 3 है तो इज इक्वल टू 3 × 9 × 3 × 9 81 है, 9 × 9 = 81 है। नेक्स्ट 4 नंबर देखिए, -0.5 टू द पावर माइनस 1 तो इज इक्वल टू, इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए तो -2 हो जाएगी, -2 होल टू द पावर 1 हो जाएगी, ठीक है। तो देखिए रेसिप्रोकल लेने से क्या हुआ, पावर के साइन पॉजिटिव हुआ लेकिन बेस तो पॉजिटिव नहीं हुआ, बेस तो जैसा है वैसा ही रह जाएगी ना तो इज इक्वल टू -2 होल टू द पावर 1 इज इक्वल टू -2, ठीक है। तो ये आंसर है, बहुत ईजी है, बहुत ईजी है भाई। भाई आप क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रेशनल नंबर इन द फॉर्म 3/2। तो एक्सरसाइज 2.1 में इस तरह के क्वेश्चंस हमने सॉल्व करी थी ना, 3/3 की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। तो यहाँ देखिए इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए 1/6 टू द पावर 1 या फिर 1/6 होल टू द पावर पॉजिटिव 1 हो जाएगी तो इज इक्वल टू 1/6 लिख सकते हैं क्योंकि किसी भी नंबर के पावर पॉजिटिव 1 होते हैं, ठीक है। -7 टू द पावर माइनस 1 तो इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए तो -1/7 होल टू द पावर प्लस 1 हो जाएगी तो इज इक्वल टू -1/7 हो जाएगी, ठीक है। इसके देखिए इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए तो 4 हो जाएगी, 4 टू द पावर 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगी, ठीक है। रेसिप्रोकल लेने से पावर के साइन तो बदल रही है ना। तो अच्छा, नेक्स्ट देखिए 4 नंबर,
इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए तो माइनस वन बाई फोर टू द पावर वन हो जाएगी, यानी कि माइनस वन बाई फोर हो जाएगी इनटू है। अच्छा इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए तो इसके पावर के साइन पॉजिटिव हो जाएगा, तो माइनस थ्री बाई टू की रेसिप्रोकल माइनस टू बाई थ्री है, माइनस ऑफ टू बाई थ्री है। अब देखिए टू टू ज़र फोर है, कट गया ना, तो माइनस माइनस प्लस ऊपर वन है नीचे थ्री टू ज़र सिक्स है, वन बाई सिक्स है। नेक्स्ट देखिए फाइव नंबर थ्री बाई फाइव फोर्टी दूर माइनस वन, इसकी रेसिप्रोकल ले लेना तो थ्री बाई फाइव की रेसिप्रोकल फाइव बाई थ्री है, फाइव बाई थ्री है, यहाँ इन टू है। अच्छा इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए तो टू बाई फाइव होगा, टू बाई फाइव होगा। अब देखिए पावर तो वन पॉजिटिव बन गए, तो पावर पॉजिटिव वन लिखे या ना लिखे एक ही बात है, अगर लिख भी दिया ना तो वही फाइव बाई थ्री होगा, ठीक है। तो फाइव से फाइव कट जाएगी तो इज इक्वल टू टू है ऊपर और नीचे थ्री है, तो टू बाई थ्री है। इजी ना, बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है। नेक्स्ट आप क्वेश्चन नंबर फोर्टी के सिंप्लीफाई वन नंबर देखें, फोर्टी टू माइनस वन टू थ्री टू माइनस वन होल स्क्वायर, तो बाहर भी स्क्वायर लगा हुआ है तो इसकी रेसिप्रोकल ले लेना वन बाई फोर हो जाएगी इनटू इसकी वन बाई थ्री हो जाएगी, तो पावर पॉजिटिव बन गई। वन बाई फोर मतलब वन बाई फोर होल टू पावर वन है, तो होल टू पावर वन मतलब वही वन बाई फोर है। फिर बाहर देखिए स्क्वायर है तो इज इक्वल टू वन वन जर वन है डिवाइडेड बाई थ्री फोर जर ट्वेल्व है, होल स्क्वायर है, तो वन को स्क्वायर करने से वन वन होगा और ट्वेल्व को स्क्वायर करने से वन फोर्टी फोर होगा, तो इसके आंसर वन बाई वन हंड्रेड फोर्टी फोर। नेक्स्ट टू नंबर देखिए फाइव टू द पावर माइनस वन, तो इसकी रेसिप्रोकल ले लेना तो वन बाई फाइव हो जाएगी, ठीक है। अच्छा डिवाइड साइन है, इसकी रेसिप्रोकल अच्छा एक काम करना, यहाँ देखिए डिवाइड की जगह इनटू दे देना और इसकी रेसिप्रोकल मतलब इसकी पावर की साइन पॉजिटिव कर देना, मतलब सिक्स टू द पावर वन यानी कि सिक्स हो जाएगी, ठीक है। होल टू द पावर थ्री है मतलब होल क्यूब है, तो इज इक्वल टू वन सिक्स जहाँ सिक्स है नीचे फाइव है तो वो सिक्स बाई फाइव होल क्यूब, तो इज इक्वल टू सिक्स को स्क्वायर करने से टू हंड्रेड सिक्सटीन होगी और फाइव को क्यूब करने से वन हंड्रेड ट्वेंटी फाइव होगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट देखिए थ्री नंबर टू टू बार माइनस वन प्लस थ्री टू बार माइनस वन, तो पहले रेसिप्रोकल ले लेना तो इज इक्वल टू 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 बार माइनस वन, टू की रेसिप्रोकल वन बाई टू है, अच्छा प्लस थ्री की वन बाई थ्री है। फिर बाहर देखिए साइन माइनस वन है, पावर माइनस वन है, तो इज इक्वल टू टू और थ्री की एलसीएम सिक्स है, सिक्स है, तो थ्री वन जर थ्री प्लस टू वन जर टू है, पावर माइनस वन है, तो इज इक्वल टू थ्री प्लस टू फाइव है, फाइव बाई सिक्स होल टू द पावर माइनस वन, तो इज इक्वल टू इसकी रेसिप्रोकल ले लेना सिक्स बाई फाइव हो जाएगी, सिक्स बाई फाइव होल टू द पावर वन यानी कि सिक्स बाई फाइव है। नेक्स्ट फोन नंबर देखिए इस तरह की एक क्वेश्चन है, तो इज इक्वल टू इसकी रेसिप्रोकल वन बाई थ्री है प्लस है इसकी वन बाई फोर है, वन बाई फोर है, इसकी पावर देखिए बाहर माइनस वन है इन टू है, अच्छा इन टू इसकी वन बाई फाइव है, फाइव टू पावर माइनस वन मतलब वन बाई फाइव है, तो इज इक्वल टू थ्री और फोर के एलसीएम ट्वेल्व है, थ्री फोर जर ट्वेल्व, फोर वन जर फोर प्लस थ्री वन जर थ्री है, तो इज इक्वल टू फोर प्लस थ्री सेवन है, सेवन बाई ट्वेल्व है, ठीक है। तो इसको डायरेक्ट सेवन बाई ट्वेल्व होल टू द पावर माइनस वन इन टू वन बाई फाइव है, वन बाई फाइव है, तो इज इक्वल टू इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए तो ट्वेल्व बाई सेवन इन टू वन बाई फाइव है, ठीक। तो देखिए इज इक्वल टू ट्वेल्व वन जर ट्वेल्व है डिवाइडेड बाई सेवन फाइव जर थर्टी फाइव है, ट्वेल्व बाई थर्टी फाइव है। नेक्स्ट देखिए फाइव नंबर, ये भी इसकी तरह है, तो फोर्टी वन माइनस वन तो वन बाई फोर रेसिप्रोकल है, ठीक है। अच्छा प्लस है बीच में, इसकी वन बाई फाइव है रेसिप्रोकल, अब पावर पॉजिटिव बन गया, ठीक है। अच्छा प्लस थ्री टू पावर माइनस वन तो इसकी प्लस वन बाई थ्री है, तो इज इक्वल टू यहाँ माइनस वन है, माइनस वन है, ठीक है। अच्छा पहले इसकी काम कर लीजिए, तो फोर फाइव जर ट्वेंटी एलसीएम है, तो फाइव वन जर फाइव प्लस फोर वन जर फोर फाइव प्लस नाइन, तो नाइन बाई ट्वेंटी है, नाइन बाई ट्वेंटी है होल टू द पावर माइनस ऑफ वन प्लस वन बाई थ्री है, इज इक्वल टू अब इसकी रेसिप्रोकल लेने से पावर पॉजिटिव बन जाएगी, मतलब ट्वेंटी बाई नाइन हो जाएगी प्लस वन बाई थ्री है, तो इज इक्वल टू अब देखिए नाइन और थ्री की एलसीएम तो नाइन है ना, नाइन है, तो नाइन में नाइन एक बार है तो वन टू ट्वेंटी ट्वेंटी है, बीच में साइन प्लस है,
थ्री 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 टाइम्स है, तीन बार है, तो थ्री वन जार थ्री है, तो 20 प्लस 3 23 23/9 है, 23/9 है आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विद ए नेगेटिव एक्सपोनेंट। अब इन सब रेशनल नंबर्स को नेगेटिव एक्सपोनेंट के साथ शो करना, यानी कि पावर नेगेटिव होनी चाहिए। तो 1/4 की रेसिप्रोकल 4/1 है, 4/1 देखिए, रेसिप्रोकल लेने से पावर की साइन बदल जाएगी, तो 4/1 होल्ड टू पावर -3 हो जाएगी। ठीक है, तो ये है इसकी सॉल्यूशन, बहुत इजी। इसके केस में देखिए, पावर पॉजिटिव है तो पावर नेगेटिव बनाने के लिए 3 के रेसिप्रोकल लेना, तो 3 के रेसिप्रोकल 1/3 है, 1/3 होल्ड टू पावर आप -5 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, इसके केस में इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो 5/3 रेसिप्रोकल है, यानी कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है, और पावर आप -4 हो जाएगी, बहुत सिंपल है। इसकी देखिए, यहाँ पहले एक काम करना, ये जो दोनों पावर है ना, दोनों पावर को इंटू कर दीजिए, तो 3/2 होल टू द पावर 4 × -3 है। देखिए ये एक रूल है, मान लीजिए a टू द पावर m है, होल टू द पावर n है, तो इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n, दोनों पावर्स इंटू हो जाते हैं अगर ऐसे मिले। ठीक है, तो इस फॉर्म में है ना ये, तो दोनों की पावर इंटू हो जाए, दोनों पावर्स इंटू हो जाएंगे, तो 3/2, अच्छा 4 × 3 = 12 है, और ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो प्लस माइनस माइनस है। देखिए यहाँ रेसिप्रोकल लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ रही, इसलिए कि यहाँ दोनों पावर्स में से एक नेगेटिव है, तो अगर एक नेगेटिव है ना, तो एक ही नेगेटिव है, व्हाट टाइम है, एक बार है, तो प्रोडक्ट माइनस हो रहा है, 4 × 3 = 12, तो ये भी ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है, 7/4 होल टू द पावर 4 × -3 है, तो इज इक्वल टू 7/4 होल टू द पावर 3 × 4 = 12 है, और एक नेगेटिव साइन है, तो -12 है। इजी ना, बहुत इजी है भाई। भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विद ए पॉजिटिव एक्सपोनेंट। आप पॉजिटिव एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट करना, तो पावर यहाँ नेगेटिव में दी गई है, तो 3/4 की रेसिप्रोकल ले लेना, तो 4/3 हो जाएगी, आप दोनों के पावर +2 हो जाएगी। ठीक है, अच्छा ये भी बहुत ईजी है, इसकी भी रेसिप्रोकल ले लेना, तो 4/5 इसकी रेसिप्रोकल है, होल टू द पावर आप पावर +3 है। ठीक है, इजी ना। इसी केस में देखिए, ये 4 और 4 दोनों बेस सेम है, तो एक ही बेस ले लेना, एक ही बेस ले लेना ना, आप दोनों के पावर्स इंटू ऐड कर देना, क्योंकि यहाँ बीच में साइन इंटू है, तो इसकी पावर 3 है, 3 + −, इसकी -9 है ना, तो इज इक्वल टू 4 × 3 −9, तो ±, तो बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो 9 − 3 = 6 है ना, तो 6 देखिए 6 है, तो बड़ा नंबर नेगेटिव है, तो -6 है, तो इज इक्वल टू इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो 1/4 होगा, 1/4 होल टू द पावर +6 हो जाएगी, और 1/4 × 6 ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही सेम है। अच्छा इस यहाँ देखिए, पहले दोनों पावर्स इंटू कर देना, तो देखिए 4/3 होल टू द पावर, ये दोनों पावर्स तो इंटू हो जाएंगे ना, तो दोनों नेगेटिव है, -3 × -4 है, तो इज इक्वल टू 4/3 होल टू द पावर 3 × 4 = 12 है। अब देखिए दो नेगेटिव साइन है, तो -−+ है, यानी कि इवन टाइम्स है ना, तो प्रोडक्ट पॉजिटिव आएगी। ठीक है, नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, यहाँ पहले दोनों पावर्स इंटू कर देना, तो 3/2 होल टू द पावर 4 × −2, 4 × −2 है, तो इज इक्वल टू 3/2 है होल टू द पावर 4 × 2 = 8 है, और एक नेगेटिव साइन है, व्हाट टाइम है, एक बार है, तो -8 होगा, तो इज इक्वल टू, आप इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए, 2/3 हो जाएगी होल टू द पावर +8 हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत बहुत इसी ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सिंप्लीफाई, तो 1 नंबर देखिए, 1/3 होल टू द पावर -3 -1/2 होल टू द पावर -3 / 1/4 होल टू द पावर -3, तो पहले देखिए पावर पावर की साइन पॉजिटिव बना देना, तो 1/3 की रेसिप्रोकल 3 है, तो 3³ है, यहाँ माइनस है, इसकी रेसिप्रोकल 2 है, और यहाँ पावर -3 है, तो +3 हो जाएगी, डिवाइडेड बाई, डिवाइड की जगह इंटू दे देना, अच्छा इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा,
इनटू दे देना और इसकी रेसिप्रोकल ले लेना, ठीक है। तो एक काम करना, रेसिप्रोकल लेने के बदले में इसकी पावर पॉजिटिव बना लेना, तो 1/4 होल क्यूब हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखिए इसकी रेसिप्रोकल यहाँ इनटू देने से इसकी रेसिप्रोकल होगी, लेकिन पावर की साइन तो निगेटिव रह जाएगी। फिर देखिए पावर की साइन निगेटिव पॉजिटिव बनाने के लिए फिर इसकी रेसिप्रोकल लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्ट यहाँ डिवाइड की जगह इनटू दे दीजिए और इसकी पावर की साइन चेंज कर दीजिए, तो अपने आप रेसिप्रोकल हो जाएगी, ठीक है। इज इक्वल टू, अब देखिए 3³ इज इक्वल टू 27, -2³8 है, अच्छा, इंटू 1/4 होल क्यूब, मतलब 1³/4³, तो 1³ करने से 1 होगी, 4³ करने से 64 होगा, ठीक है। 4 4 16 4 16 64 इज इक्वल टू 27 - 8 19 है, तो 19 × 1/64 इज इक्वल टू 19 है डिवाइडेड बाई 64 है, 19 ऊपर की है, ठीक है। टू नंबर देखिए 3² - 2² × 2/3 होल टू ऊपर -3, तो इज इक्वल टू 3² 9 है, 3² 9 है, -2² 4 है, अच्छा इनटू है, इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए, पावर के साइन बदल जाएगी, तो 2/3 की रेसिप्रोकल 3/2 है, 3/2 है, अच्छा अब पावर क्या हो गया, पॉजिटिव 3 हो गया ना, तो इज इक्वल टू 9 - 4 5 है, तो 5 × 3³ 27 है डिवाइडेड बाई 2³ 8 है, तो इज इक्वल टू 5 × 27 135 है, 135 डिवाइडेड बाई नीचे 8 है, इजी ना भाई, बहुत इजी है। नेक्स्ट 3 नंबर देखिए, ये भी बहुत इजी है, 1/2 की रेसिप्रोकल ले लीजिए, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो 1/2 की रेसिप्रोकल 2 है, 2^1 यहाँ पावर 1 है, तो 2^1 मतलब 2 है, इनटू इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए तो 1/4 होगा, 1/4 अब पावर पॉजिटिव हो जाएगी इसकी, देखिए इस ब्रैकेट के अंदर, फिर से बाहर देखिए -1 है, तो इज इक्वल टू पावर -1 है, तो 2 × 1 = 2 2 × 4 है, अच्छा यहाँ एक माइनस साइन है, माइनस साइन है, ठीक है, अच्छा माइनस साइन ऊपर लिख दीजिए, यह हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए -1/2 होल टू द पावर -1 इज इक्वल टू, अब इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो -2 to the power 1 इज इक्वल टू -2 है, इजी है भाई, बहुत इजी है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, -1/4 होल स्क्वायर होल टू द पावर -2 होल टू द पावर -1 तीन पावर्स है, तो तीनों पावर्स पहले इंटू कर देना, तीनों पावर्स एक साथ इंटू कर देना, देखिए a^m होल टू द पावर n फिर से होल टू द पावर मान लीजिए l है, तो ये ऐसी हो जाएगी a^m × n × l यानी कि a^m n l सब पावर आपस में इंटू हो जाएगी, ठीक, ये रूल है एक्सपोनेंट की। तो देखिए -1/4 ये बेस है, होल टू द पावर 2 × -2 × -1 2 × -2 × -1 इज इक्वल टू -1/4 होल टू द पावर 2 × 2 = 4 और 4 × 1 = 4 है। अब देखिए यहाँ ओवरऑल 2 नेगेटिव साइन है पावर में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगी, ठीक है। तो इज इक्वल टू देखिए यहाँ पावर पॉजिटिव, पावर इवन नंबर है, तो ये जो बेस है ये पॉजिटिव बन जाएगी, तो 1/4 होल टू द पावर पॉजिटिव 4 लिख सकते हैं, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1 की पावर भी 4 है और 4 की पावर भी 4 है, तो इज इक्वल टू 1 की पावर कितनी भी हो वही 1 होगी डिवाइडेड बाई 4 की पावर 4 है, तो 4 × 4 × 4 × 4 है, तो 4 4 = 16 है, इंटू फिर से 4 4 = 16 है, तो 16 16 = 256 है, तो 256, ठीक है। अच्छा आप नेक्स्ट 5 नंबर देखिए, 2/3 होल स्क्वायर होल क्यूब, तो काम करना पहले इन दोनों की पावर इंटू कर देना, तो इज इक्वल टू 2/3 होल टू द पावर 2 3 = 6 है, अच्छा इंटू इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए, तो 3 to the power 4 हो जाएगी, इंटू इसकी 1/3 to the power 1 यानी कि 1/3 इंटू इसकी 1/6 है, अच्छा इज इक्वल टू आप देखिए 2 की पावर भी 6 है, 3 की भी पावर 6 है, तो अलग अलग पावर लिख देना, 2 to the power 6 है, अच्छा ये ऊपर की नंबर है, ये तो नीचे है, ये न्यूमरेटर की, तो 3 to the power × 3 to the power 4 है, ठीक है, अच्छा डिवाइडेड बाय, देखिए नीचे 3, इस 3 की पावर भी 6 है, इस 3 की पावर भी 6 है ना,
अच्छा यहाँ नीचे भी थ्री है तो सब इंटू है, नीचे भी इंटू है, इंटू थ्री टू पावर वन है, इसकी पावर वन है ना। अच्छा इस सिक्स को हम टू इंटू थ्री ऐसे ही लिख सकते हैं, इस सिक्स को टू इंटू थ्री हम लिख सकते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में थोड़ा सा ऐसे ही लिखिए, सिक्स इज इक्वल टू टू इंटू थ्री, ताकि आइंदा जब आप कॉपी देखेंगे ना तो ये टू इंटू थ्री कैसे हुआ आपको पता नहीं चलेगी, तो ब्रैकेट में देने से आपको पता चल जाएगी कि वो जो सिक्स है इस सिक्स को हमने ऐसे ही थोड़ा टू इंटू थ्री, ठीक है। देखिए अब यहाँ और एक खेल खेलेंगे, देखिए टू थ्री ओवर सिक्स है और यहाँ टू थ्री ओवर वन है, तो टू थ्री ओवर सिक्स को हम टू इंटू टू थ्री ओवर फाइव ऐसे लिख सकते हैं। ऊपर देखिए इसकी पावर वन है ना, तो बेस सेम है इंटू है, तो वन इसकी ये इक्वल टू होगी टू थ्री ओवर वन प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री ओवर सिक्स हो जाएगी ना, पावर तो ऐड हो जाएंगे ना, तो टू थ्री ओवर सिक्स को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, तो ऐसे क्यों लिखा बाद में आप पता लगा सकते हैं, ठीक है। यहाँ थ्री टू पावर फोर है इंटू थ्री टू पावर फोर डिवाइडेड बाई, नीचे देखिए टू टू पावर सिक्स है, अच्छा तो इसको भी हम तोड़ देंगे, थ्री टू पावर सिक्स को हम थ्री टू पावर फोर इंटू थ्री स्क्वायर ऐसे ही लिख सकते हैं। नीचे देखिए इंटू है बेस सेम है, नीचे डिनोमेटर में तो फोर प्लस टू सिक्स है, वही सिक्स है, इंटू फिर से देखिए थ्री इंटू टू इंटू थ्री, थ्री इंटू टू इंटू थ्री है। आप देखिए ये जो टू है टू से इस टू काट दीजिए, थ्री टू पावर फोर से थ्री टू पावर फोर काट दीजिए, अच्छा आप ऊपर देखिए टू टू पावर फाइव मतलब टू टू पावर फाइव और नीचे देखिए, अच्छा ट्वेंटी फाइव बन गया ना, थोड़ा सा बोल दीजिए टू टू पावर फाइव, नीचे देखिए थ्री स्क्वायर इंटू थ्री इंटू थ्री, तो थ्री स्क्वायर नाइन है, तो थ्री थ्री जर नाइन, नाइन नाइन जर एटी वन है, एटी वन है, और यहाँ टू थ्री पावर फाइव मतलब थर्टी टू है, थर्टी टू है, तो थर्टी टू बाई एटी वन आंसर है, ठीक है। बहुत इजी ना भाई, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट देखिए, बाय व्हाट नंबर शुड फाइव टू द पावर माइनस वन बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट मे बी इक्वल टू माइनस सेवन टू द पावर माइनस वन, तो इस नंबर के साथ कौन से नंबर मल्टीप्लाई करने से ये नंबर मिलेगी, तो इस टाइप के सेम क्वेश्चन मैंने 2.1 में दिखाया था, सेम क्वेश्चन था, वही सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो ठीक है, अगर आपने मेरा एक्सरसाइज 2.1 नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके देखिए, ठीक है, और आपको बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए इस नंबर को पाना है और ये नंबर दे रखा, तो जिस नंबर को पाना है ना इसको जो नंबर दी गई है इससे डिवाइड दे देना, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड नंबर बाय व्हाट फाइव टू दर माइनस वन बी मल्टीप्लाई टू गेट माइनस सेवन होल टू दर माइनस वन इज, इसको डिवाइड देना माइनस सेवन होल टू दर माइनस वन डिवाइडेड बाई कौन से नंबर से, इससे फाइव टू द पावर माइनस ऑफ वन से, ठीक है। तो इज इक्वल टू इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, तो माइनस वन बाई सेवन होगी रेसिप्रोकल, डिवाइड की जगह इनटू दे दीजिए और इसकी पावर जो है ना पावर पॉजिटिव बना दीजिए, तो फाइव टू द पावर वन यानी कि फाइव है ना, तो ऊपर देखिए माइनस वन टू फाइव माइनस फाइव डिवाइडेड बाई नीचे सेवन है, तो ये आंसर है, मतलब इसको इसके साथ इंटू करने से ये नंबर मिलेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट नाइन नंबर देखिए, सेम इस टाइप के क्वेश्चन है, यहाँ नंबर वन बाई टू होल टू माइनस वन और जो प्रोडक्ट आना है ना माइनस थ्री बाई माइनस सेवन बाई फोर होल टू पावर माइनस वन है, तो इसको इससे डिवाइड देना माइनस सेवन अपन फोर होल टू द पावर माइनस ऑफ वन डिवाइडेड बाई वन बाई टू होल टू द पावर माइनस ऑफ वन, तो इज इक्वल टू देखिए इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए तो माइनस फोर बाई सेवन हो जाएगी, डिवाइड की जगह इंटू दे दीजिए और इसकी पावर के साइन पॉजिटिव बना दीजिए, तो टू वन बाई टू हो जाएगा, आप देखिए टू टू जर फोर है कट गया, तो इज इक्वल टू वन इंटू टू टू है और एक नेगेटिव साइन है तो माइनस टू है डिवाइडेड बाई सेवन है, तो माइनस टू बाई सेवन आंसर है, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड नंबर बाई व्हाट माइनस वन बाई टू होल टू दर माइनस वन बी मल्टीप्लाई टू गेट माइनस सेवन बाई फोर होल टू दर माइनस वन इज माइनस टू बाई सेवन। आप देखिए इस तरह एक क्वेश्चन है टेन नंबर, लेकिन यहाँ जस्ट डिवाइड है, बाय व्हाट नंबर शुड माइनस फिफ्टीन टू दर माइनस वन बी डिवाइडेड सो दैट द प्रोडक्ट मे बी इक्वल टू माइनस फाइव टू दावर माइनस फाइव होल टू दावर माइनस वन, तो द रिक्वायर्ड नंबर बाय व्हाट माइनस फिफ्टीन
टू द पावर माइनस वन बी डिवाइडेड टू दैट माइनस फाइव होल टू द पावर माइनस वन इज, मतलब इस नंबर को पाने के लिए इस नंबर से इस नंबर को कौन सी नंबर से डिवाइड देने से ये नंबर मिलेगी, ठीक है, कौन सी नंबर से इस नंबर को डिवाइड देने से ये नंबर मिलेगी, तो मतलब क्या है इस नंबर को इस नंबर से डिवाइड दे देना। एक चीज़ देखिए, मल्टीप्लिकेशन की जो क्वेश्चन था ना, इसकी ठीक रिवर्स प्रोसेस हो गया। मल्टीप्लिकेशन के केस में कैसे प्रोसेस होता था, इक्वल टू के बाद या फिर गेट के टू गेट के बाद जो नंबर है इसको डिवाइड देना था वन नंबर से, वही नंबर से आप ठीक उल्टा करना, इसको डिवाइड देना इससे, ठीक है। तो द रिक्वायर्ड नंबर बाय व्हाट माइनस फिफ्टीन, माइनस फिफ्टीन होल टू द पावर माइनस वन बी डिवाइडेड टू गेट माइनस फाइव होल टू द पावर माइनस वन एस, मतलब इसको डिवाइड देना इससे। तो देखिए माइनस ऑफ फिफ्टीन होल टू द पावर माइनस ऑफ वन डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ फाइव होल टू द पावर माइनस ऑफ वन, तो इज इक्वल टू, इसकी रिसिप्रोकल ले लीजिए तो माइनस वन बाई फिफ्टीन हो जाएगी इंटू, इसकी जगह इंटू दे दीजिए और इसकी पावर की साइन पॉजिटिव कर देना, तो बेस नेगेटिव है तो माइनस ऑफ फाइव टू द पावर वन पॉजिटिव वन यानी कि माइनस फाइव है। अब देखिए फाइव वन जर फाइव, फाइव थ्री जर फिफ्टीन है, तो इज इक्वल टू वन वन जर वन है डिवाइडेड बाई नीचे थ्री है, यहाँ दो नेगेटिव साइन है माइनस माइनस प्लस, तो आंसर वन बाई थ्री है, ठीक है। तो मतलब क्या है, वन बाई थ्री से इसको डिवाइड देने से ये नंबर मिल जाएगा, आप चेक करके देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन देखिए, बाय व्हाट नंबर शूट फाइव बाई थ्री होल टू द पावर माइनस टू बी मल्टीप्लाइड सो दैट द प्रोडक्ट मे बी इक्वल टू सेवन बाई थ्री होल टू द पावर माइनस वन, तो प्रोसेस सेम है, द रिक्वायर्ड नंबर बाय व्हाट फाइव बाई थ्री होल टू द पावर माइनस टू बी मल्टीप्लाइड टू गेट सेवन बाई थ्री होल टू द पावर माइनस वन इज, आप देखिए ये तो मल्टीप्लीकेशन के केस है ना, तो इसको डिवाइड देना इस नंबर से, तो सेवन बाई थ्री होल टू द पावर माइनस ऑफ वन डिवाइडेड बाय फाइव बाई थ्री होल टू द पावर माइनस टू इज इक्वल टू, इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए थ्री बाई सेवन हो जाएगी, डिवाइड की जगह इनटू दे देना और इसकी पावर पॉजिटिव बना देना, तो फाइव बाई थ्री होल टू द पावर होल स्क्वायर हो जाएगी, तो थ्री बाई सेवन इंटू फाइव बाई थ्री होल स्क्वायर मतलब क्या है, फाइव बाई थ्री इंटू फाइव बाई थ्री है ना, जैसे देखिए सपोज एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू एक्स है, वैसे होते हैं ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा आप देखिए थ्री से थ्री कट जाएगी तो इज इक्वल टू, आप क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए फाइंड एक्स इफ, तो आपको यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालना, यहाँ एक इक्वेशन दिख रही है ना, तो वन नंबर क्वेश्चन वन बाई फोर होल टू द पावर माइनस फोर इंटू वन बाई फोर होल टू द पावर माइनस एट इज इक्वल टू वन बाई फोर होल टू द पावर माइनस फोर एक्स है, हाँ फोर एक्स, तो आपको एक्स की वैल्यू चाहिए, तो बहुत बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, आप देख लीजिए ये जबकि इक्वेशन है तो इम्प्लाइज दे देना, ठीक है। अब देखिए वन बाई फोर वन बाई फोर दोनों बेस सेम है, सेम बेस है तो एक बेस लेना वन बाई फोर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पावर देखिए इंटू है मिडिल में, तो दोनों पावर्स एड हो जाएंगे, तो माइनस फोर प्लस ऑफ माइनस एट है इज इक्वल टू वन बाई फोर, यहाँ भी देखिए वन बाई फोर है, वन बाई फोर होल टू द पावर माइनस ऑफ फोर एक्स है। अच्छा इम्प्लाइज अब देखिए वन बाई, अच्छा यहाँ कर देता हूँ, इम्प्लाइज वन बाई फोर होल टू द पावर माइनस फोर माइनस एट, दोनों नेगेटिव है तो दोनों को ऐड कर देना और सम नेगेटिव बना देना, तो फोर प्लस एट ट्वेल्व है, तो दोनों जब के नेगेटिव है तो माइनस ट्वेल्व है, माइनस ऑफ ट्वेल्व इज इक्वल टू वन बाई फोर होल टू द पावर माइनस फोर एक्स है। अब देखिए ये जो पावर है बेस है दोनों बेस सेम है, बीच में इक्वल साइन है, तो एक रूल आपको शायद पता है, मान लीजिए ए टू द पावर एक्स है इज इक्वल टू ए टू द पावर वाई है, तो दोनों बेस कट जाएंगे, तो इज इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वाई, ऐसी हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसी ये रूल है, बेस सेम है तो बेस कट जाएगी, अगर दोनों के पावर सेम है तो पावर कट जाएगी, ठीक है। अच्छा आप देखिए बेस जब सेम है ना तो दोनों पावर्स इक्वेट कर देना, तो इसकी पावर माइनस ट्वेल्व है इज इक्वल टू, इसकी पावर क्या है माइनस फोर एक्स है, माइनस फोर एक्स इम्प्लाइज देखिए एक्स इज इक्वल टू एक्स की कोएफिशिएंट माइनस फोर है, तो इसके नीचे ले आना, तो मतलब क्या है दोनों साइड को अगर आप फोर से डिवाइड देते हो ना, तो फोर माइनस ट्वेल्व बाई फोर इज इक्वल टू माइनस फोर एक्स बाई फोर है,
अल्टीमेटली इसको ट्रांसपोज करने के बराबर हो रही है, ठीक है। तो माइनस ट्वेल्व बाई माइनस फोर इज इक्वल टू, माइनस से माइनस कट जाएगी तो फोर थ्री जै ट्वेल्व, तो इज इक्वल टू थ्री है, तो एक्स की वैल्यू थ्री है, तो देयर फोर एक्स इज इक्वल टू थ्री है, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, थ्री आ रही है। बहुत बहुत ईजी ना। अब नेक्स्ट टू नंबर देखिए, वन बाई टू माइनस वन बाई टू होल्ड बार माइनस नाइनटीन इंटू माइनस वन बाई टू होल्ड बार एट इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू होल्ड बार माइनस ट्वेंटी सिक्स प्लस वन। तो इन दोनों की इन दोनों को पहले सॉल्व करना, तो बेस माइनस वन बाई टू है, होल्ड बार दोनों पावर्स एड हो जाएंगे, माइनस नाइनटीन प्लस एट है इज इक्वल टू माइनस वन बाई टू होल्ड टू द पावर माइनस टू एक्स प्लस वन। इम्प्लाइज देखिए माइनस वन बाई टू होल्ड टू द पावर माइनस नाइनटीन प्लस एट, देखिए 19 बड़ा नंबर नेगेटिव है तो 19 से 8 माइनस कर देना तो 11 आएगी, और बड़ा नंबर जब कर नेगेटिव है तो माइनस 11 होगा, तो इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1 बाई टू होल टू द पावर माइनस टू एक्स प्लस वन है। अच्छा इम्प्लाइज आप देखिए बेस सेम है, काट देना पावर इक्वेट कर देना, तो माइनस 11 इज इक्वल टू माइनस टू एक्स प्लस वन, माइनस टू एक्स प्लस वन है। अच्छा इम्प्लाइज आप देखिए माइनस टू एक्स को इस साइड में ले लीजिए, ट्रांसपोजिशन प्रोसेस है। तो जब भी किसी टर्म को एक साइड से दूसरे साइड में हम लाते हैं, ठीक, तो इसकी जो साइन है मैथमेटिकल जो साइन है इसको चेंज कर देना, अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव, नेगेटिव है तो पॉजिटिव बना देना, तो इस साइड में पॉजिटिव है इस साइड में लाया जाए तो इस साइड में नेगेटिव है तो इस साइड में लाने से पॉजिटिव बन जाएगा, मतलब टू एक्स इज इक्वल टू यहाँ ऑलरेडी प्लस वन है, और इस साइड में देखिए माइनस इलेवन है ना, तो इस साइड में लाया जाए तो प्लस इलेवन होगा, तो इम्प्लाइज टू एक्स इज इक्वल टू वन प्लस इलेवन ट्वेल्व है। अच्छा इम्प्लाइज आप देखिए दोनों साइड टू से डिवाइड दे दीजिए, तो टू आई एक्स डिवाइडेड बाई टू इज इक्वल टू ट्वेल्व बाई टू, डिवाइडिंग बोथ दी साइड्स बाई टू, तो इम्प्लाइज टू से टू कट जाएगी और टू सिक्स या ट्वेल्व हो जाएगी, तो एक्स इज इक्वल टू सिक्स है, तो देयर फोर एक्स की वैल्यू क्या है सिक्स है, इजी ना, बहुत ईजी है। अब नेक्स्ट थ्री नंबर देखें, थ्री बाई टू होल्ड दोबारा माइनस थ्री टू थ्री बाई टू होल्ड दोबारा फाइव इज इक्वल टू थ्री बाई टू होल्ड दोबारा ट्वाइस एक्स प्लस वन, तो बहुत सिंपल है, थ्री बाई टू होल्ड दोबारा माइनस थ्री प्लस फाइव इज इक्वल टू थ्री बाई टू होल्ड टू दोबार ट्वाइस एक्स प्लस वन। इम्प्लाइज थ्री बाई टू होल्ड टू दोबार माइनस थ्री प्लस फाइव, मतलब फाइव माइनस थ्री इज इक्वल टू टू है, तो इज इक्वल टू थ्री बाई टू होल्ड टू दोबार ट्वाइस एक्स प्लस वन। तो इम्प्लाइज देखिए बेस सेम आ गया ना, तो टू इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स प्लस वन है, तो इम्प्लाइज इस वन को इस साइड में ले आइए, तो टू माइनस वन इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स। अच्छा इम्प्लाइज टू माइनस वन वन है, तो वन इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स, तो इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू वन बाई टू, वन बाई टू बोथ साइड को टू से डिवाइड करने से वन बाई टू होगा, तो देयरफॉर एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल रही है वन बाई टू मिल रही है, इजी ना। नेक्स्ट फोर नंबर देखिए, टू बाई फाइव फोल्ड दोबार माइनस थ्री इंटू टू बाई फाइव फोल्ड दोबार फिफ्टीन इजिकल टू बाई फाइव फोल्ड दोबार टू प्लस थ्री एक्स, तो इम्प्लाइज टू बाई फाइव फोल्ड टू दोबार माइनस थ्री प्लस फिफ्टीन इजिकल टू टू बाई फाइव फोल्ड टू दोबार टू प्लस थ्री एक्स। इम्प्लाइज टू बाई फाइव फोल्ड टू दोबार माइनस थ्री प्लस फिफ्टीन, मतलब फिफ्टीन माइनस थ्री इजिकल टू ट्वेल्व है, इजिकल टू टू बाई फाइव फोल्ड टू दोबार टू प्लस थ्री एक्स, टू प्लस थ्री एक्स है। अच्छा इम्प्लाइज बेस सेम आ गया, तो काट देना और पावर इक्वेट कर देना, तो इसको पहले लिख सकते हैं टू प्लस थ्री एक्स, टू प्लस थ्री एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व है। इम्प्लाइज थ्री एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस टू, इसको इस साइड में लाया जाए तो टू हो गया, तो इम्प्लाइज थ्री एक्स इज इक्वल टू ट्वेल्व माइनस टू टेन है, तो इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू टेन बाई थ्री है, टेन बाई थ्री आंसर है, तो देयर फोर एक्स की वैल्यू है टेन बाई थ्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए, फाइव बाई फोर होल्ड टू माइनस एक्स डिवाइड बाई फाइव बाई फोर होल्ड टू माइनस फोर इज इक्वल टू फाइव बाई फोर होल्ड टू फाइव है, तो इम्प्लाइज आप देखिए यहाँ डिवाइड है तो काम करना, फाइव बाई फोर होल्ड टू दोबार माइनस ऑफ एक्स माइनस ऑफ माइनस फोर डिवाइड होते हैं ना, तो न्यूमरेटर की पावर से डिनोमिनेटर की पावर माइनस हो जाती है, इज इक्वल टू फाइव बाई फोर होल टू द पावर फाइव है, ठीक है। इम्प्लाइज आप देखिए फाइव बाई फोर होल टू द पावर माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस फोर, मतलब माइनस एक्स प्लस फोर है
इज इक्वल टू 5/4 होल टू द पावर 5 है, तो इम्प्लाइज आप देखिए पावर इक्वेट कर देना बीसी में गए तो -x + 4 इज इक्वल टू 5 है। अच्छा इम्प्लाइज -x इज इक्वल टू 5 - 4 इज इक्वल टू इम्प्लाइज -x इज इक्वल टू 5 - 4 1 है, तो इम्प्लाइज बोथ साइड को -1 से इंटर करिए तो देखिए ये x पॉजिटिव हो जाएगी तो x इज इक्वल टू -1 हो जाएगी। एक्चुअली देखिए वेरिएबल फाइनली x की वैल्यू चाहिए ना, तो जिसकी वैल्यू चाहिए वो नेगेटिव कैसे हो सकती है भाई, तो इसकी वैल्यू तो नेगेटिव होगी ना। और दूसरी लॉजिक देखिए मैथमेटिकल लॉजिक, किसी भी नंबर की बोथ किसी भी इक्वेशन की बोथ साइड को सेम नंबर से हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं डिवाइड भी दे सकते हैं, तो -1 जो सेम नंबर है दोनों साइड को हम इंटर करेंगे इससे तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगी और ये पॉजिटिव ना तो प्लस माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8/3 होल टू द पावर 2x + 1 इंटू 8/3 होल टू द पावर 5 इज इक्वल टू 8/3 होल टू द पावर एक्स प्लस 2, तो इम्प्लाइज यहाँ देखिए 8/3 होल टू द पावर बेस सेम है पावर एड कर देना 2x + 1 + 5 है इज इक्वल टू 8/3 होल टू द पावर एक्स प्लस 2 है, इम्प्लाइज 8/3 होल टू द पावर 2x + 1 + 5 = 6 है इज इक्वल टू 8/3 होल टू द पावर एक्स प्लस 2 है, तो इम्प्लाइज आप देखिए बेस सेम है गए ना तो काट देना और पावर इक्वेट कर देना तो 2x + 6 इज इक्वल टू इस साइड में इस साइड की पावर एक्स प्लस टू है, तो इम्प्लाइज 2x ये वेरिएबल टर्म ये भी वेरिएबल टर्म तो वेरिएबल टर्म दोनों टर्म्स को लेफ्ट साइड में एक्स साथ कर देना तो 2x इस साइड में एक्स पॉजिटिव है इस साइड में आ जाए तो नेगेटिव एक्स हो जाएगी इज इक्वल टू इस साइड में ऑलरेडी 2 है पॉजिटिव इस साइड में पॉजिटिव 6 है तो इसको ये कॉन्स्टेंट है 6 और 2 कॉन्स्टेंट तो राइट साइड में ट्रांसपोज कर देना इस 6 को तो माइनस हो जाएगी -6 हो जाएगी, तो इम्प्लाइज 2x - x है x इज इक्वल टू 2 - 6 - 4 है। ठीक है तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या आ रही है -4 आ रही है, इजी ना बेटा बहुत इजी है, तो इस वीडियो को एक लाइक करना और आपके सारे दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर देना। माया क्वेश्चन नंबर 13 देखिए 1 देखिए 13 की इफ x इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर इंटू 2/3 होल टू द पावर -4 फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर -2, तो आपको x की वैल्यू नहीं x टू द पावर -2 की वैल्यू चाहिए तो बहुत इजी है। तो देखिए ये दी गई है ना ये एक्सप्रेशन ये इक्वेशन तो वी हैव या फिर गिवन या फिर हैव x इज इक्वल टू 3/2 होल स्क्वायर इंटू 2/3 होल टू द पावर 4, तो इम्प्लाइज ये तो एक इक्वेशन की तरह ना इक्वेशन है तो x इज इक्वल टू अच्छा 3/2 होल स्क्वायर इंटू इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए तो पावर पॉजिटिव हो जाएगी 2/3 की 3/2 हो जाएगी 3/2 होल टू द पावर -4 हो जाएगी। ठीक है अब नेक्स्ट 2 नंबर देखिए इफ x इज इक्वल टू 4/5 होल टू द पावर -2 / 1/2 होल स्क्वायर फाइंड द वैल्यू ऑफ x टू द पावर -1, अब x टू द पावर -1 की वैल्यू चाहिए। अच्छा तो वी हैव x इज इक्वल टू 4/5 होल टू द पावर -2 / 1/4 होल स्क्वायर, तो इम्प्लाइज देखिए x इज इक्वल टू इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए 5/4 हो जाएगी रेसिप्रोकल 5/4 होल टू द पावर अब पावर पॉजिटिव है अच्छा डिवाइड की जगह इंटू दे दीजिए इंटू है और इसकी रेसिप्रोकल ले लीजिए तो 1/4 की रेसिप्रोकल 4 है तो 4 स्क्वायर हो जाएगी। ठीक है दूसरी एक चीज़ देखिए आपको शायद पता नहीं है या फिर पता है मुझे पता नहीं, देखिए किसी भी फ्रैक्शन को आप दूसरे किसी फ्रैक्शन से डिवाइड नहीं दे सकते तो एक काम करना पहले फ्रैक्शन जैसा है वैसा रखना और बाकी जो फ्रैक्शन है इस फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल ले लेना इसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ले लेना और डिवाइड की जगह इंटू दे देना और बाद में सॉल्व कर देना इजीली। ठीक है तो इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू यहाँ 5² / 4² होगा। ठीक है 5² / 4² इंटू यहाँ 4² है। ठीक अब 4² से 4² गया तो इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू 5² है। ठीक है आप देखिए बोथ साइड की रेसिप्रोकल ले लीजिए तो इम्प्लाइज इसकी रेसिप्रोकल क्या है 1/x इज इक्वल टू इसकी रेसिप्रोकल क्या होगा 1/5² है। इम्प्लाइज
वन बाई एक्स मतलब एक्स टू द पावर माइनस वन, पावर माइनस वन है ना, तो इज इक्वल टू इसको ऐसे ही रख सकते हैं और फाइव टू द पावर माइनस टू भी लिख सकते हैं। इसके रेसिप्रोकल मतलब क्या है, देखिए इसको रेसिप्रोकल ले लीजिए इसकी और पावर के साइन नेगेटिव बना दे दीजिए बस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, लास्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर वाई फाइव टू द पावर ट्वाइस एक्स डिवाइडेड बाई फाइव टू द पावर माइनस थ्री इक्वल टू फाइव टू द पावर फाइव। तो एक्स की वैल्यू चाहिए, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, यहाँ डिवाइड है, बेस सेम है, फाइव फाइव, तो फाइव टू द पावर ट्वाइस एक्स। अच्छा, डिवाइड के टाइम में क्या होते हैं, पावर्स माइनस होते हैं ना, तो इसकी पावर से इसकी पावर माइनस होगी, तो यहाँ माइनस ऑलरेडी माइनस, तो माइनस ऑफ माइनस थ्री इज इक्वल टू फाइव टू द पावर फाइव है, इम्प्लाइज फाइव टू द पावर टूवाइस एक्स माइनस माइनस प्लस थ्री है इज इक्वल टू फाइव टू द पावर फाइव है, इम्प्लाइज। अब देखिए बेस इक्वल हो गई तो कैंसिल कर देना और पावर्स बराबरी में लिख देना, ठीक है, तो टूवाइस एक्स प्लस थ्री इज इक्वल टू फाइव है इसकी पावर, ठीक है। अच्छा, तो इम्प्लाइज ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री है। अच्छा, इम्प्लाइज ट्वाइस एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस थ्री टू है, तो इम्प्लाइज एक्स इज इक्वल टू टू बाई टू इज इक्वल टू वन है। अच्छा, तो देयर फॉर एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स की वैल्यू क्या आ रही है, वन आ रही है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। तो भाई ये एक्सरसाइज भी समाप्त हो गया, वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक करना और आपके सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और आपने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।